हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स। मेरे पास अभी है एफएनडी का 2.1 होम थिएटर का मॉडल, जो है आप देख सकते हो A111X। मैं इसको अनबॉक्सिंग और चेक करके बताऊंगा कैसा है ये प्रोडक्ट, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका बेस कैसा है, इसका लुक्स कैसा है, और इसमें क्या अच्छा लगा मुझे और कुछ क्या होना चाहिए वो भी बताऊँगा। इसका बॉक्स का लुक्स भी बहुत स्टाइलिश है, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। ये है एफएनडी का 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर। एफएनडी का बहुत सारा मॉडल है, ये लोएस्ट कैटेगरी में आता है। पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, तो अभी देख सकते हैं आप, मैं इसको खोल लिया। इसके ऊपर में दो स्पीकर है, रिमोट है और कुछ केबल है, और ये वारंटी कार्ड भी है इसके साथ। अभी मैं स्पीकर को साइड में रख के ऊपर को निकल लेता हूँ बाहर पहले। अभी इसको बॉक्स से निकल लिया, अभी इसका पैकेट खोल के देखता हूँ कि लुक्स कैसा है। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पीकर है वो निकल लिया मैंने, तो इसका लुक्स भी बहुत ग्लोजी है, शाइन कर रही है। ब्लैक कलर में आता है, हर प्रोडक्ट इसका ब्लैक कलर ही होता है ज़्यादातर, और इसका जो डिजाइन है डिजाइन भी बहुत अच्छा है। तो स्पीकर छोड़ के अभी मैं मेन ऊपर को देखता हूँ, ऊपर को निकल लेता हूँ पहले। तो ऊपर को मैं निकल लिया, अभी मैं इसके साथ जो दो कॉर्ड फ्री मिलता है उसको दिखाता हूँ। तो ये दो कॉर्ड इसके साथ फ्री मिलेगा, एक है आप अगर मोबाइल से बजाना चाहते हैं तो मोबाइल से बजाने के लिए ये है, और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला दिखाता हूँ, दूसरा वाला है टीवी से कनेक्ट करने के लिए, ये वायर यूज़ होता है। तो दो टीवी में जाएगा आपका, दो होम थिएटर में रहेगा। तो ये है रिमोट, इसका रिमोट आप देख सकते हैं ग्लोजी है बहुत, तो इसमें आपको हर बटन मिल जाएगा। तो इधर पे आप नंबर भी देख सकते हैं, कुछ रिमोट में नंबरिंग नहीं होता है होम थिएटर के रिमोट में, लेकिन इसमें नंबर भी दिया है। मैंने इसे अभी निकल लिया, आप देख सकते हैं इसका लुक्स बहुत शाइनी है, और ये देखने में एकदम स्क्वायर जैसा ही है, साइज़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है ये। और इधर में क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इधर में आपको सोर्स मिलेगा, प्रीवियस, नेक्स्ट और प्ले पॉज का मिलेगा, और ये USB है, और इसके साथ FM एंटेना भी मिलता है, FM भी है इसमें। और इधर में आप देख सकते हैं, इधर में सिर्फ बेस का स्विच मिलेगा, इधर में वॉल्यूम का नहीं मिलेगा, ट्रिबल भी नहीं है इसमें। और ये दो जो है ये इनपुट और आउटपुट है, इनपुट में आपको मोबाइल से कनेक्ट करने से होगा, और आउटपुट में आपको दो स्पीकर जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये ऑन ऑफ, पावर ऑन ऑफ का स्विच है, इसे अगर ऑफ कर देगा तो लाइन नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में। इसका वायर को दिखाता हूँ, इसका वायर जो है ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा है वायर का, और इधर में आपको 1 मीटर या 1.5 मीटर का वायर मिल जाएगा आपको। और इस प्रोडक्ट को रखने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है छोटा ही है साइज़ में, लेकिन इसका साउंड जो है, साउंड बहुत ही अच्छा है। आप टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि साउंड क्वालिटी कैसा है। तो प्रोडक्ट का रेट आप देख सकते हो, ये 3990 का है, मतलब 4000 का ही पकड़ लो, और इसमें से आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहले इसका रेट कम था क्योंकि इसमें ब्लूटूथ नहीं था, लेकिन अभी ब्लूटूथ के साथ आता है हर मॉडल इसका, इसलिए रेट थोड़ा बढ़ गया है इसका। तो आइए अभी स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्पीकर को मैं कनेक्ट कर लिया, अभी सिर्फ मेन लाइन देना बाकी है। इसका ये वाला स्विच ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें लाइन मिल गया है। इधर पे आप देख सकते हैं इसका कोई डिस्प्ले नहीं है, और इधर में सिर्फ एक लाइट ही मिलता है आपको। और इधर में मैं पहले ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे प्ले करता हूँ। अभी मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है, और ये ब्लूटूथ आप रिमोट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट में भी ब्लूटूथ का ऑप्शन है। ये वाला स्विच प्रेस करने से यह ब्लूटूथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको ऑन करने के बाद अभी मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल में आप देख सकते हैं इसका नाम जो है वो फेंडर A111X आता है। तो अभी मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं कनेक्टेड दिखा रहा है इधर पर। मैं एक म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ, गाना प्ले नहीं कर सकता है क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है, तो म्यूजिक बजा के दिखाता हूँ मैं।
इसका रिमोट साइड में काम नहीं करता है, इसको आपको फ्रंट साइड में मारना होगा वॉल्यूम बढ़ाने या कमाने में। प्रोडक्ट ठीक ही है लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं है, यही प्रॉब्लम है इसका। अगर आपका बजट 5000 से कम है और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये ले सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा।